हेलो स्वागत है मुझे चलिए तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ GM 4008 मॉडल डोरबेल का। अगर आप एक अच्छा और टिकाऊ डोरबेल लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट और बजट डोरबेल है GM 4008 मॉडल का। और आगे इस वीडियो में इस डोरबेल का बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ, कैसे आपको इस डोरबेल का बिल्ड क्वालिटी मिलता है, इसमें आपको साउंड ट्रैक किस टाइप का मिलता है, आपको इसमें कितने दिन का वारंटी मिलता है, इस डोरबेल का प्राइस कितना है, सारा कुछ बताऊँगा आगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में इस डोरबेल का कनेक्शन का बारे में बता दूँगा, किस तरह से आप इसे कनेक्शन करके आप आसान तरीके यूज कर सकते हैं। वैसे बहुतों को पता होता है किस तरह डोरबेल का यूज किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लिया तो बिना किसी लेट करते हुए इस पैकेज से मैं अपना डोरबेल को बाहर कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैं सिंपली बाहर कर लिया, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिलता है आपको इस डोरबेल का। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका। बॉडी आपको पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिलता है। कलर देखिए रेड में वाइट कितना अच्छा लग रहा देखने में। ए वेलकम कोड GM का यहाँ पर ब्रांडिंग है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। पीछे की आप देख सकते हैं एक आपको वॉल माउंट करने के लिए दिया गया, इसको आप वॉल में लगा सकते हैं सेंटर के यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी बात है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये डोरबेल। आपको इसमें 240 वोल्ट में काम करता है, इसका फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़। कलर तो बताइए वाइट ही जान ही रहे। इसमें आपको एक साल का वारंटी मिलता है, ठीक है, एक साल का वारंटी मिलता है इस GM 4008 डोरबेल का, ठीक है। आपको इसमें साउंड डिंग डोंग का साउंड मिलता है, दिखाऊंगा कैसा साउंड मिलता है आगे इस वीडियो में। तो आपको कुछ इस तरह के स्विच को यूज करना है, देखिए ये डोरबेल के लिए स्पेशल स्विच आता है, देखिए अगर मैं इसे प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अगर ये नॉर्मल सा स्विच यूज करते हैं जो कि ऑन ऑफ का फैन वगैरह बल्ब वगैरह यूज करने वाला स्विच को यूज करते हैं अगर डोरबेल में, तो आपका डोरबेल खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो कैसे, अगर वो कोई व्यक्ति डोरबेल को ऑन करता है, वो ऑन ही रख देता है, ऑफ नहीं करता है, तो उस वक्त इसका मैग्नेटिक जो कॉयल होता है वो जल जाता है, ठीक है। तो इस तरह का स्विच यूज करें, वही दोनों का प्राइस सेम ही आता है, कुछ थोड़ा मोड़ा अंतर है, ठीक है। और आपको एक बोर्ड लेना है, छोटा सा बोर्ड जो कि आप दीवार में से वॉल में से अटैच कर सकें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कनेक्शन कर, तो आपको दो वायर लेना है, ठीक है, मैं समझाने के लिए वायर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ अच्छे वायर को भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह के वायर को भी यूज कर सकते हैं, मैं ये समझाने के लिए वायर को ले रहा हूँ। तो मैं कनेक्शन की बात कर लेता हूँ, तो डोरबेल से आपको दो तार मिल रहा है बाहर की ओर, ठीक है, तो आपको एक तार इसे कनेक्शन करना है इसमें, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, एक तार इसको इसमें कनेक्ट कर देना है, देखिए ये तार इसमें एक कनेक्ट हो गया। ये तार जो ब्लैक वाला तार है, ये तार आपका डायरेक्ट आपका बोर्ड में चल जाएगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ठीक है। इसको कहीं स्विच से कनेक्शन नहीं करना है एक तार को, ठीक है, तो मैं कनेक्शन कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो एक तार जो बचता है या इस जगह पर, यहाँ से इसे कनेक्ट करके आपको ये स्विच से बाहर करना, जैसे कि अगर इसे ऑन करते हैं तो ये डोरबेल रिंग होने लगेगा, ठीक है, इस तरह से वर्क करता है डोरबेल। तो मैं सारा थोड़ा सेटअप करता हूँ, उसके बाद बता दूँगा किस तरह मैं सेटअप किया। तो आप देख सकते हैं मैं सारा कनेक्शन कर लिया हूँ, तो मैं कैसे कनेक्शन किया आपको बताता हूँ। देखिए डोरबेल से जैसे कि मैं बताया दो तार निकला हुआ है, ठीक है, एक तार को आपको सीधा बोर्ड में ले जाना जहाँ पर आपको इसे कनेक्ट करना है डोरबेल को, ठीक है, डायरेक्ट इसको लाइट दे देना है इस डोरबेल को बोर्ड से, ठीक है, एक तार को। और दूसरा तार जो निकलता है दूसरा डोरबेल का दूसरा तार में कनेक्ट कर लेना है, और उसको इस जगह पर देखिए इस तरह का आपको स्विच मिलेगा, आपको एक तार इसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और दूसरा तार इधर से आपको एक तार इधर से कट करके निकाल लेना था। और ये तार जो सेकंड तार निकलता है इधर से जो बताया, देखिए इधर से जो सेकंड तार निकलता है, ये तार आपको काला जो तार बताया मैं वो तार आपको बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। दो अलग अलग तार हैं, अलग अलग तार में जैसे कि आप प्लग कनेक्ट करते हो डायरेक्ट आपको कनेक्ट कर देना है, और आपका डोरबेल आसानी तरीके यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इसका साउंड कैसा मिलता है आपको, देखिए ये दो तार है, ये दो तार को आपको बोर्ड से कनेक्ट कर देना है, सिंपली देख सकते हैं आपने इसका साउंड सुना कितना लाउड साउंड मिलता है आपको इस डोरबेल में। देखिए फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ, ये स्विच का यही खासियत है, देख सकते हैं ऑन करने पर
ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अगर नॉर्मल स्विच यूज करते हैं तो उसमें आपका डोरबेल खराब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको डोरबेल मिलता है इस प्राइस में, ये बजट डोरबेल बहुत ही अच्छा मिल रहा है आपको। इसका प्राइस मैंने जब इसे खरीदा था उस टाइम पर इसका प्राइस 185 रुपीज़ था। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया हूँ जहाँ से आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। अगर हुआ तो आपके इसमें ऑफर रहेगा तो आपको और भी कम दाम में ये डोरबेल मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा डोरबेल है, आप इसे आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। अगर आप इसी तरह नए नए प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा लीजिए। तो मिलता हूं मैं और एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।